मेन इशू ट्रस्ट का कि हम जो बाहर जाते हैं तो सबसे पहले तो एयरपोर्ट पे आप जाएं तो पाकिस्तानियों को तो बाहर साइड पे खड़ा कर दें, जी आप पाकिस्तानी हैं आप साइड पे आ जाएं। तो क्या इतना ट्रस्ट करता है सऊदी अरब इंडिया पर? और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानियों के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। मुस्लिम कंट्रीज में दुबई में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, 5,000 दिरहम मुख्तस किए गए पाकिस्तान के लिए। तुर्की में गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लगा। इन्हीं कंट्रीज में इंडिया को बहुत जोर से प्रेफर किया जा रहा है। बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने इंडिया को क्यों कर दिया? तो मेरे ख्याल में उनको इस चीज की आजादी होनी चाहिए कि वो उनकी कंट्री है, वो जो मर्जी कुछ कर सकते हैं। तो बनना जायज भी है लेकिन लिमिट्स के अंदर रह के बने तो फिर बेहतर। कहा है कि हमारी दुश्मनी नहीं चलनी चाहिए, क्या आपको लगता है हमारी ट्रेड से बेनिफिट होगा? इंडिया पाकिस्तान की अगर दोस्ती हो जाती है तो हमारा जो है एक जैसी, वो कहते हैं ना ब्राउन चमड़ी के, हम दोनों मुल्कों में है, हिंदू मुसलमान यहाँ वहाँ दोनों रहते हैं, क्या आपको लगता है हम दोनों के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? नहीं, जो वहाँ पे हिंदू रहते हैं मुसलमान रहते हैं ना जी, हम तो अपने हिंदुओं को मंदिर भी बना के दे रहे हैं, वहाँ पे वो हमारी बाबरी मस्जिद भी गिरा रहे हैं, दूसरी मस्जिद भी गिरा। वहाँ पे मंदिर से ज्यादा मस्जिदें हैं गूगल सर्वे के मुताबिक अगर हम देखें तो। वहाँ पे मिनोरिटीज के ठीक है हर तरफ, आपको पता है कि एक घर में दो बर्तन होंगे खड़केंगे, दो भाई होंगे लड़ेंगे, इसी तरह एक ह्यूज पॉपुलेशन है, आपस में बहुत सी चीजें हो जाती हैं, बहुत से मामला खराब हो जाएंगे। लेकिन आज अगर हम देखें तो 75 सालों में हम लोगों ने किस मुल्क के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात बनाए? अरब कंट्रीज तक हम लोगों को पीछे करके इंडिया को आगे प्रेफरेंस दे। उसकी वजह ये सियासतदान है हमारे, हमारी डिक्टेटरशिप आती रही है, डिक्टेटरशिप जहाँ पे भी आती है वहाँ पे ऐसे ही हालात रहेंगे। तक जमहूरियत जो सी नाम ने आज जमहूरियत होगी तो वहाँ पे तो नहीं होंगे ऐसे हालात जी। कोई भी मुल्क है ना जो अपना या कोई भी सरमायादार, वो अपना उस मुल्क में पैसा नहीं लगाएगा कि जिसके अंदर हालात ही खराब हो, हर वक्त रुड़ते गिरते आखिर एक दिन हमने कवर में चले ही जाना है सबने। मेन इशू ट्रस्ट का है कि हम जो बाहर जाते हैं तो सबसे पहले तो एयरपोर्ट पे आप जाएं तो पाकिस्तानियों को तो बाहर साइड पे खड़ा कर दें, जी आप पाकिस्तानी हैं आप साइड पे आ जाएं। तो लोग हमारी एक तो हमारे जो कारनामे हैं वो इसी वजह से लोगों के माइंड में बैठ गया कि पाकिस्तानी है तो ये ट्रस्ट के काबिल नहीं है। क्यों ट्रस्ट नहीं किया जाता, क्या हरकत है हम लोगों पाकिस्तानियों? हरकत यही है कि हम झूठ बोलते हैं, उनके साथ अपने काम के साथ लॉयल नहीं है, यही हरकत है, हम अपना काम पूरा ऑनेस्ट के साथ नहीं करते और इस वजह से वो उनको ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं। पाकिस्तान की एक तो पूरी होल वर्ल्ड इतना कोई रेपुटेशन नहीं है, इसकी वजह से वो पाकिस्तानियों को वो ज्यादा फैसिलिटेट भी नहीं करते किसी मामले में भी। और ज्यादातर आप केसेस ऐसे देखेंगे वहां पर जो मतलब हमारी एक तो रेशो ये भी कम है कि हमें जो लोग उमरा करने जाते हैं उनकी भी रेशो कम है, और वहां पर जो लेबर है उसके भी उन्होंने जो है ना काफी ज्यादा मार्जिन उनका कम रखा होता है। और फिर कोई अगर पाकिस्तानी वहां फंस जाता है फौरन उठा के उनको जेलों में डाल देते हैं, और ये बड़े मसाइल हैं, ये सिर्फ एक मसला नहीं है। अच्छा, हमारे लिए ना मुस्लिम कंट्रीज में गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लगा है, रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं काफी सारी। अगर इंडियंस की बात करें तो ऐसा सिनेरियो उनके लिए हमें देखने को नहीं मिला है, उनको वेलकम किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनके साथ काफी अच्छा वो उनके टर्म्स हैं। हमारे भी तो गवर्नमेंट के बहुत अच्छे टर्म्स हैं, आखिरकार मुस्लिम कंट्रीज है। नहीं, हम सिर्फ मुस्लिम्स का परसेप्शन लेके नहीं आगे चल सकते, हमें आजकल इकोनॉमिक पावर होना बड़ा जरूरी है।